हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम लोग नीट के लिए मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इस बार की एग्ज़ाम में आने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन, एक मिनट, विच ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें से कौन सा सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका गिल्स, सेकेंड है आपका स्प्लीन और थर्ड है आपका लंग्स और फोर्थ है आपका लीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट हार्ट इज ऑफ जिराफ, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ आपका एलिफेंट, थर्ड है आपका क्रोकोडाइल, फोर्थ है आपका लायन। इसका राइट आंसर है आपका एलिफेंट। एलिफेंट देखिए, एलिफेंट बड़ा एनिमल भी होता है और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही बड़ा हार्ट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका एलिफेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कार्डियक आउटपुट इज ब्लड, ये आपके कर्नाटका 1996 का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिसीव बाय योर हार्ट पर मिनट, सेकेंड है आपका पम्प बाय योर वेंट्रिकल पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है पम्प बाय योर लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, फोर्थ है आपका पम्प बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर आवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज पम्प बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, पेरिकार्डियल फ्लूड इज सिक्रेटेड बाय, जो पेरिकार्डियल फ्लूड होता है किसके द्वारा सिक्रीट होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मायोकार्डियम, सेकेंड आपका पेराइटल पेरिटोनियम और थर्ड है आपका वेस्ट्रियल पेरिटोनियम और फोर्थ है आपका पेरिकार्डियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियल फ्लूड होता है वो आपके पेरिकार्डियम के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच वन जनरेट हार्ट बीट्स, इसमें से कौन सा हार्ट बीट जनरेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पुर्किंजे फाइबर, सेकेंड है कार्डियक ब्रांच ऑफ वैगस नर्व और थर्ड है यार आपका एसए नोड, फोर्थ है एवी नोड। एसए नोड क्या करता है, आपका जो हार्ट रेट होता है उसे क्या करता है, सॉरी हार्ट बीट को जनरेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज एसए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हार्ट वाल इज मेड अप ऑफ, जो हार्ट वाल होता है किस चीज़ का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है यार यहाँ देखो मायोकार्डियम, सेकेंड है आपका एपिकार्डियम, थर्ड है इंडोकार्डियम, फोर्थ है ऑल ऑफ दिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। जो हार्ट वाल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, मायोकार्डियम का, एपिकार्डियम का और इंडोकार्डियम का। ये सब क्या है, आपके लेयर है एपिकार्डियम, इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इन ऑर्डर टू स्टडी ब्लड सर्कुलेशन इन रैट कैपिलरीज आर ऑब्जर्व इन, जब ब्लड सर्कुलेशन को रैट में जब स्टडी करना होता है तो कैपिलरीज आर ऑब्जर्व्ड इन, कैपिलरीज को किस फॉर्म में ऑब्जर्व करा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिसेंट्री और सेकेंड आपका किडनीज, थर्ड है लीवर और फोर्थ है आपका लंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज मिसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेवेंथ, ग्लूकोज इज कैरिड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक लीवर बाय, सॉरी ग्लूकोज इज कैरिड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक, किस चीज़ की बात कर रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक टू लीवर, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक से लीवर तक ग्लूकोज किसके द्वारा कैरिड किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हेपेटिक आर्टरीज और हेपेटिक पोर्टल वीन और थर्ड आपका पल्मोनरी वीन, फोर्थ है यार आपका नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटिक पोर्टल वीन। हेपेटिक पोर्टल वीन के द्वारा क्या किया जाता है, ग्लूकोज को कैरिड किया जाता है कहाँ से कहाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक टू लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। नाइन मिस है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 का है आपका, ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड सर्कुलेशन आर कंट्रोल्ड बाय, ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर, जब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, जब हार्ट बीट का हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होता है एंड सर्कुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय, उस टाइम में सर्कुलेशन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वैसो डिलेटर एंड द वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर और कार्डियो स्टिमुलेटरी एंड वैस्को सॉरी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर और है थर्ड कार्डियो इम्बाइबेटरी एंड द वैस्को क्रिक्रिक्सटर सेंटर और है फोर्थ आपका कार्डियो इनहिबिटरी और सॉरी वैसो डिलेटर सेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज कार्डियो स्टिमुलेटरी एंड द वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर। तो आज का सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, होप करते हैं आपको सभी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। जो लोग अभी PYQ नहीं कर रहे हैं वो PYQ करना शुरू कर दीजिए, बाकी जितने भी आपके लास्ट जितने भी ईयर के PYQ हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट्स है। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब देखिए आए हुए एक्चुअली सिलेबस से ही है, ठीक है, और क्वेश्चन आए आपका सिलेबस से ही आएगा और ज़्यादातर NCERT पढ़ते रहिए और सभी NCERT का लाइन ही है। और हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी वीडियोज़ आए और क्वेश्चन के साथ में हम आपको NCERT पेज को भी हिंट्स कर दें ताकि आपको वहाँ से आइडिया हो जाए कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं NCERT के किस लाइन से आए हुए हैं। और जितने भी PYQ हैं सभी को सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और बाकी हम आपको ऐसे ही यहाँ पे कराते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक स्टेप उठाइए समाज सेवा की ओर। अगर मान लीजिए कि आपके एक शेयर से अगर किसी लोगों का भला हो रहा है तो इससे बड़ी बात हमें नहीं लगता है कि और कोई हो सकता है, ठीक है। और मैं तो आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, बाकी फोड़ लेते हैं दोनों साथ में, ठीक है। और चलिए बाय बाय, होप करते हैं आप लोग मस्त होंगे और ढेर सारा पढ़ रहे होंगे, और रात को कम सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, बाय।